तो हमारे साथ इस समय जसबीर सिंह जी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज रेलवे स्टेशन जो है उनकी सबकी चेकिंग चल रही है, क्या कुछ बताना है? जैसे जिस प्रकार से अफवाह फैली है, कुछ ऐसी जगाधरी में कोई पत्र प्राप्त हुआ है उसके संदर्भ में, वैसे भी त्योहारों के संबंध में वैसे विशेष तौर पर चेकिंग की जा रही है, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए। इस वजह से RPF और GRP देर रात से चेकिंग चल रही है, इस टाइम लगातार जाएगी जगाधरी रेलवे स्टेशन पर। हाँ जी, ऐसा लगा कुछ पता। अब क्या कुछ सर उसमें फिलहाल क्या कुछ लिखा था जो लेटर मिला है, बता रहे थे उनकी मिली है स्टेशन को फिलहाल जो है उड़ाने की, कोई ऐसी जानकारी? हाँ, ऐसी है, इसी प्रकार की जानकारी। हाँ जी, हाँ जी। तो 24 घंटे से निगरानी रखी जाएगी? नहीं, लगातार ही रखी जाएगी 24 घंटे। कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू 24 घंटे ही निगरानी पर रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो अब रोज लगातार चेकिंग भी होगी? हाँ बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल। RPF और JRP दोनों? हाँ, दोनों करेंगे जी, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, तो आपको बता दें कि इस समय हम पहुँचे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर सभी लोगों के साजो सामान की चेकिंग जो है वो पुलिस कर रही है। और बता रहे हैं जगाधरी के रेलवे स्टेशन पर एक जानकारी मिलती है, शायद कोई पत्र, कोई लेटर, ऐसी कोई जानकारी मिलती है और जिसमें स्टेशन्स को उड़ाने की धमकी दी जाती है। आप देख सकते हैं लाखों लोग जो है सफ़र करते हैं, करोड़ों लोग सफ़र करते हैं रोज़ रेल यात्रा, और ऐसे में इतनी बड़ी जानकारी का मिलना, आप देख सकते हैं कि कैसे जो पुलिस है वो छोटे मोटे लोगों के सामान हो या बैग हो या अन्य चीज़ें हो उन सब की चेकिंग करती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर जिस पर थोड़ा सा भी सस्पेक्ट हो वो उन्हें किस तरीके से फिलहाल चेक जो है फिलहाल किया जाता है। और यहाँ पर फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें और इन दिनों में खासा ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई व्यक्ति किसी पर कोई भी शक हो, सस्पेक्ट हो, तो उसे ज़रूर देखें। छोटा मोटा कोई भी ऐसा साजो सामान किसी के पास हो, आप देख सकते हैं इस समय चेक किया जा रहा है, क्योंकि दिवाली भी नज़दीक ही आने वाली है और इन दिनों में खासी जो लोगों का आना जाना, रेल यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इन दिनों में कई बार जो है इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं, तो ऐसे में जो लोगों का साजो सामान है उसे फिलहाल चेक करते हुए आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो ज़रूर करते हुए हैं। GRP की जो पुलिस है वो फिलहाल यहाँ पर लोगों का जो साजो सामान है, कुछ भी सस्पेक्टेड लगता है, किसी पर शक होता है तो वो एक बार चेक ज़रूर करते हैं। देख सकते हैं कोई भी लावारिस सामान किसी को दिखे तो तुरंत जो है वो पुलिस विभाग में इसकी जानकारी जो है GRP को ज़रूर दें। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से लोगों का जो साजो सामान है वो ज़रूर चेक करती हुई नज़र आ रहे हैं, और अभी फ़िलहाल कहीं पर कोई भी लावारिस सामान किसी को दिखे तो तुरंत जो है वो पुलिस विभाग में GRP में ज़रूर जानकारी इसकी दें। और क्योंकि इन दिनों किसी भी सुरक्षा मद्देनज़र रखते हुए जो पुलिस है वो, और बता रहे कि जगाधरी रेलवे स्टेशन पर भी जो है इस तरीके से जो धमकी जो है मिली है, और जहां पर फिलहाल धमकी भरा पत्र जिसमें बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें फिलहाल करनाल शहर के अंदर भी जो है हर किसी के सामान को फिलहाल चेक जो है ज़रूर किया जा रहा है, किसी के पास कोई भी ऐसी चीज़ अगर मिलती है तो पुलिस तुरंत जो है हरकत में आ सकती है। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति हो उसका साजो सामान जो है वो चेक जो है उससे किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को शेयर करें। सर, लोगों से भी अपील करना चाहेंगे किसी के पास कोई ऐसा सस्पेक्टेड सामान दिखे तो ज़रूर जानकारी दें। हाँ बिल्कुल, अनाउंसमेंट भी कराते हैं इसके बारे में, कई लावारिस बैग, हाँ कोई लावारिस बैग या कोई सामान नज़र आए पब्लिक को तो तुरंत उसकी GRP और RPF को इतला दें। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर फिलहाल जो है आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों की जो बैग्स हैं उन्हें चेक जो है फिलहाल किया जा रहा है, और अभी इन दिनों भी बता दें त्योहारों के दिनों में तो खासी जो है इस तरह की गतिविधियों पर जो है नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोगों को फिलहाल ज़रूर जो है उनका सामान चेक किए जा रहे हैं। और आप सभी से भी ये कहना चाहेंगे किसी का कोई बैग या अन्य कोई भी ऐसी चीज़ लावारिस दिखे तो उसे हाथ ना लगाएं, उसे तुरंत जो है GRP में आप जानकारी इसकी ज़रूर दें, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल सभी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिलहाल
यही कहना चाहेंगे कि इन दिनों में खासे ध्यान जो है वो लोग ज़रूर रखें, खासा ध्यान रखें, क्योंकि जो इस तरह की बाकायदा जो आरपीएफ की टीमें हैं वो भी फ़िलहाल यहाँ पर जो है उनकी भी गतिविधियाँ जो हैं इन दिनों में बढ़ेंगी और उन जो है पूरी तरीके के साथ जो है हर चीज़ पर जो है खासी नज़र जो है वो ज़रूर रखी जाएगी। देख सकते हैं जो लोग हैं उनके साजो सामान को फ़िलहाल ज़रूर चेक किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अभी फ़िलहाल करनाल के रेलवे स्टेशन से आपको सीधी लाइव तस्वीरें जो है फिलहाल, और सभी लोगों से हम ये कहना चाहेंगे अगर कहीं पर कोई भी ऐसा साजो सामान आपको दिखता है, कोई भी बैग दिखता है, कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है, उसे हाथ ना लगाएं, तुरंत जो है जीआरपी थाने में जानकारी इसकी दें, क्योंकि धमकी भरा जो पत्र है वो फिलहाल मिला है जगाधरी रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आते हुए अब लगातार से जो है फिलहाल चेकिंग जो है वो ज़रूर कर रही है। हालांकि जो आरपीएफ की टीमें हैं वो भी फिलहाल यहां पर जो है अब त्यौहार जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो तब भी जो है वो भी काफ़ी हरकत में आते हुए अपनी पूरी नज़र जो है इस तरीके से रखेंगी सभी रेलवे स्टेशन पर। तो आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।